जी तो हम बात करते हैं नॉलेज कोडिफिकेशन की और नॉलेज को डॉक्यूमेंट करने की उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है कॉगनेटिव मैप तो कोगनेटिव मैप्स क्या होते हैं किस तरह से काम करते हैं इस पर बात होगी वंस एक्सपर्ट एक्सपीरियंस एंड नो हाउ हैव रेंडर्ड एक्सप्लिसिट कि जब ये सारा कुछ आ, टेस्ट से एक्सप्लिसिट हो गया

एक, एक फ़र्द का उसकी जो सोच है उसके जहन में जो कुछ है उसको हम एक, एक चार्ट की शक्ल में एक मॉडल की शक्ल में ले आते हैं अ मेंटल मॉडल इज़ अ सिम्बॉलिक और क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग इन द रियल वर्ल्ड जो कुछ वो सोचता है इस रियल वर्ल्ड के बारे में उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है कि जो हम पेपर पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं इट इज़ हाउ ह्यूमन माइंडस मेक सेंस ऑफ़ देयर कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट्स कि ह्यूमन माइंड अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को किस तरह से देखता है उसको हम एक मेंटल मॉडल कहते हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड इंडिविजुअल व्यूज परसेप्शंस जजमेंट्स हाइपाथिस एंड बिलीव्स कि किस तरह से इंसान कंसेप्ट uh, के बारे में सोचता है और उनके दरम्यान जो रिलेशनशिप है उसके बारे में सोचता है तो कॉग्नेटिव मैपिंग इज़ बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट मैपिंग अब ये एक नई टर्म हमारे सामने आ गई ये कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है अ टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन विद कॉन्सेप्ट एंड लिंक्स अब इस मैप में नोड्स होती हैं कि जो की कॉन्सेप्ट को शो करती हैं और इसके साथ साथ लिंक्स होते हैं कि जो कन्सेप्ट के दरमियान इंटर रिलेशनशिप्स को शो करते हैं दीज मे बी ड्रॉन मैनुअली बाय टैपिंग स्मॉल नोट पेजेस ऑन अ वॉल और अ वाइट बोर्ड और थ्रू विजुलाइजेशन सॉफ्टवेयर आजकल बहुत सारे वैरायटी में सॉफ्टवेयर मिलते हैं कि जिनकी मदद से हम इस तरह के कॉन्सेप्ट मैप्स बना सकते हैं या हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लेके तो किसी बोर्ड के ऊपर या किसी वॉल के ऊपर इसको ड्रा कर सकते हैं इसकी एग्जांपल आप देखिए हमारे सामने कन्सेप्ट मैप है इसमें आप नोट्स को देखें इसमें कुछ सर्कल्स हैं कुछ सर्कल के बग़ैर कुछ लिखे हुए हैं अब ये देखिए कि ये नॉलेज वर्कर है फिर है कि इसका ताल्लुक़ टेस्टड नॉलेज के साथ है फिर एक्सप्लेसड नॉलेज के साथ है इसी तरह से कुछ और आप देखिए तो आपको नोट्स मिलेंगी और इनके दरमियान कुछ एरोज़ भी हैं तो आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलेंगे और कॉन्सेप्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो आपको मिलेगा कि जब टेस्ट नॉलेज जैसे कोडिफाई होता है कोडिफाई होने के बाद वो एक्सप्लिसिट में बदल जाता है एक्सप्लिसिट में लोकेशन भी देखी जाती है उसका फॉर्मेट भी देखा जाता है फॉर्मेट फिर आगे दो टाइप्स का होता है उसकी लैंग्वेज देखी जाती है उसका प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक का फॉर्मेट देखा जाता है तो इस तरह से डिफरेंट नो डिफरेंट कंसेप्ट को और उनके दरम्यान जो लाइन्स हैं वो उनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को शो करते हैं और इस तरीके से हम कॉग्नेटिव मैप्स या कंसेप्ट मैप्स बना के अपने डाटा को या अपनी इंफॉर्मेशन को उसको प्रेजेंट कर सकते हैं दूसरों के सामने